लता मंगेशकर के नाम पर अयोध्या के चौक का हुआ नामकरण। पीएम मोदी बोले, कला जगत से जुड़े लोगों के लिए रहेगा प्रेरणा स्थल। दिग्विजय सिंह कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव के लिए दाखिल कर सकते हैं नामांकन। अशोक गहलोत भी आ रहे हैं दिल्ली। आप विधायक अमानतुल्लाह खान को जमानत मिली। दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़ा है मामला। मानसून पर आईएमडी का लेटेस्ट अपडेट। एमपी, छत्तीसगढ़ सहित 16 राज्यों में येलो अलर्ट। तिरुवनंतपुरम टी20 से पहले टीम इंडिया में हुए 3 बदलाव। इंजरी के कारण दीपक हुड्डा बाहर। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ। प्रयागराज में इलाहाबाद विश्वविद्यालय इन दिनों चर्चा में है। विश्वविद्यालय में 4 गुना फीस की बढ़ोतरी कर दी है, जिसकी वजह से हजारों छात्र आंदोलन कर रहे हैं, जो पिछले 22 दिनों से विश्वविद्यालय परिसर में अनशन कर रहे हैं, जिसके समर्थन में राजनीतिक पार्टियां संगठन भी उतर चुके हैं। राजनीतिक पार्टियों के उतरने से विश्वविद्यालय परिसर का माहौल गर्म हो गया है, जहां विश्वविद्यालय परिसर में छात्रों ने कुलपति के लापता होने के पोस्टर जगह जगह चस्पा किए तथा लोगों से कुलपति को ढूंढने में मदद मांग रहे हैं। छात्रों का कहना है कि फीस वृद्धि कर कुलपति विश्वविद्यालय से गायब हो गए हैं। विश्वविद्यालय के सहायक प्रोफेसर सहित अन्य लोगों ने छात्रों का समर्थन करते हुए कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा बढ़ाई गई फीस वृद्धि के बारे में सोचना चाहिए। देखिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पिछले 3 महीने से फीस वृद्धि का आंदोलन चल रहा है और हम लगातार ज्ञापन के माध्यम से, चेतावनी के माध्यम से अपनी कुलपति महोदया को चेतावनी देने का प्रयास कर रहे हैं कि मैडम, जो फीस 400% जो बढ़ी हुई है, इसको आप वापस ले लीजिए। और गांव से गरीब मजदूर किसान का लड़का आता है यहाँ पढ़ने, और यहाँ आप देखेंगे पिछले 22 दिनों से आमरण अनशन चल रहा है, उसका छात्र अपनी अतड़ियों को निचोड़ रहे हैं। उन्हीं के समर्थन में हम लोग लापता का पोस्टर लेके जगह जगह चिपका रहे हैं और हम लोगों को सूचना दे रहे हैं कि अगर हमारी कुलपति महोदया को कोई ढूंढ कर लाएगा तो हम उसके आजीवन आभारी रहेंगे। मैं इसको गलत मानता हूँ, और गलत इसलिए भी मानता हूँ कि आप ये देखिए कि ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जो छात्र आते हैं इलाहाबाद में पढ़ने को, ज़्यादातर मिडिल क्लास के होते हैं, लोअर मिडिल क्लास के होते हैं, और बहुत से बच्चे ऐसे जो फर्स्ट जनरेशन के बच्चे होते हैं, और बहुत से बच्चे के माता पिता, जैसे आज ही मैं क्लास में सबसे पूछ रहा था कि तुम्हारे पापा क्या करते हैं, तो ज़्यादातर बच्चे ये बता रहे थे कि मेरे पिता मजदूर हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं, तमाम जगह पर काम करते हैं। तो मैं उनसे अंदाज़ा लगा रहा था कि जो व्यक्ति फैक्ट्री में काम करता है, जो व्यक्ति खमचा चलाता है, उसके बच्चे कैसे पढ़ें। देश भर में पीएफआई के सदस्यों को पकड़ने के लिए लगातार एनआईए और एटीएस की टीम ने छापेमारी की, जिसमें तकरीबन 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई। पीएफआई संगठन तौर पर दिल्ली के साइन बार में स्थित ऑफिस में संचालित होता है और इसमें लगभग सैकड़ों लोग बतौर सदस्य शामिल हैं, लेकिन एनआईए और एटीएस को आतंकी गतिविधि में शामिल होने की जानकारी मिली तो लगातार एनआईए और एटीएस ने कार्रवाई करते हुए पीएफआई से जुड़े कई लोगों की गिरफ्तारी की, जिससे पहले भी एनआईए टीम ने जब पहले छापेमारी की, अब तक 12 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। हालांकि अब केंद्र ने पीएफआई पर 5 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। अलीगढ़ के गांव पंडील में शादी के कुछ महीने बाद ही एक नवविवाहिता दहेज लोभी पति समेत ससुरालीजनों की भेंट चढ़ गई। नवविवाहिता की लाश फांसी के फंदे से लटकती हुई मिली, तो वहीं इस घटना में गांव वालों के होश उड़ गए। विवाहिता की मौत के बाद दहेज लोभी पति और ससुरालीजन मौके से फरार हो गए। आपको बता दें कि ग्रामीणों ने मृतक महिला के परिजनों को सूचना दी। बेटी की मौत की खबर सुनते ही मायके पक्ष के लोगों में कोहराम मच गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मृतक महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस आगे की जांच में जुट गई। मेरी बहन की शादी हुई थी 11 दिसंबर, उसके बाद जो मांग की थी वो पूरी की। फिर उसके बाद मैं काम कर रहा था तो उसका फ़ोन आया कि मेरे को 2.5 लाख रुपये चाहिए, मैं ट्रैक्टर लूँगा। उसके बाद मैं पैसा ना दे सका,
उसके बाद आज मेरे को पता चला, वो भी गांव वालों ने बताया, तो मैं मौके पर आया तो उसकी मौत डेड बॉडी मिली। सिद्धार्थनगर में मां काली गालापुर का स्थान लोगों के लिए आस्था का केंद्र बन गया है। हर साल नवरात्र में हजारों की संख्या में श्रद्धालु आकर यहां पूजा अर्चना करते हैं। इस स्थान का खास महत्व यह है कि सच्चे मन से जो भी भक्त इस स्थान पर आकर कुछ भी मांगते हैं, वो मां काली उनको हर मुराद पूरी करती है। इस स्थान का खास महत्व है, भारी संख्या में श्रद्धालु लोग दूर दराज से आते हैं तथा उनकी मन्नतें माता जी पूरी करती हैं। रायबरेली जनपद के थाना क्षेत्र के परदेशपुर चौकी के अंतर्गत पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक को शिकायत पत्र देकर बताया कि मेरी पुश्तैनी जमीन है और मेरी जमीन को दबंग युवक ने अपने कब्जे में ले रखा है, जिसके बाद जान से मारने की धमकी देते हैं और पीड़िता ने कहा कि मेरी जमीन को छोड़ नहीं रहे हैं। इस संबंध में पुलिस चौकी शिकायती पत्र दिया है तो वहां पीड़िता की कोई सुनवाई नहीं हुई। पीड़िता का कहना है कि जब मैं चौकी गई तो विपक्षी द्वारा साठगांठ करके मेरी जमीन को कब्जा हटाने का कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इस संबंध में पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक को एक शिकायती पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। मेरे जेठ हमको घर में रहने नहीं दे रहे हैं, जो मेरा हिस्सा है उसके कब्जा करना चाहते हैं और मेरे हस्बैंड यहाँ रहते नहीं हैं, वो बाहर कानपुर में काम करते हैं और हम और हमारा बेटा अकेला रहते हैं, तो वो जो है जान से मारने की धमकी देते हैं, हमको कहते हैं कि तुमको इसमें नहीं रहने देंगे। आज कहाँ पे आई हैं जी? हम ये आए हैं डीएम निवास। क्या बोले मैडम ने? देव साहब मैम ने बोला है कि एसपी साहब को दीजिए, हमने एसपी साहब को अप्लीकेशन दी है और अब उन्होंने कहा है सुनवाई करने के लिए। गोरखपुर में एक चाय की स्टॉल काफी मशहूर हो रही है, लोग दूर दराज से और आसपास के जिलों से आकर यहाँ चाय पी रहे हैं। वहीं लोग चाय की चुस्कियों के बाद कुल्हड़ खाने का आनंद भी ले रहे हैं। दरअसल लोग गेहूं, मैदा और मक्के के आटे से विशेष रूप से तैयार कुल्हड़ को खा रहे हैं। चाय की दुकान पर इस विशेष कुल्हड़ में ही चाय की मांग सबसे ज्यादा हो रही है। अलीगढ़ के कोतवाली इगलास के गांव सहारा कला में घर के बाहर से खड़े ट्रैक्टर पर चोरों ने हाथ साफ कर लिया। डीएम ने कार्यक्रम के दौरान किसान को ट्रैक्टर की चाबी हाथों में थमाई थी, आज उसी ट्रैक्टर पर चोरों ने हाथ साफ कर लिया। पूरी घटना घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सहारा के रहने वाले युवक ने मदद की गुहार लगाई है। पुलिस ने पूरे मामले में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। 24 तारीख को रात को 1:20 के लगभग। क्या सीसीटीवी फुटेज बने हुए हैं? हाँ। एफआईआर किए हो? हाँ एफआईआर कर दिया। वहाँ से क्या कहा गया? कहा कुछ नहीं, एफआईआर ले लिया उन्होंने। एफआईआर ले ली गई है। शहर के सियाना कोतवाली क्षेत्र में दबंग लोगों ने नाबालिग किशोरी की हत्या करके बिजली के तार से शव को लटका दिया। परिजनों का आरोप है कि किशोरी अपने घर में पशुओं को चारा लेने गई थी तो वहीं से दबंग ने मेरी बेटी को जबरन अपने साथ घर ले गए, जिसके बाद बेटी के साथ रेप किया और बाद में उसको मौत के घाट उतार दिया। परिजनों का आरोप है कि पुलिस प्रेम प्रसंग का मामला बताकर बात को खत्म करना चाहती है, मगर एक तरफ पुलिस ने परिजनों के आधार पर मुकदमा दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया है, जिसमें अभी तक चार अभियुक्त खुलेआम घूम रहे हैं। पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं कर पा रही है तो वहीं परिजनों ने पुलिस पर सवाल करते हुए कहा कि बचे हुए आरोपियों की गिरफ्तारी क्यों नहीं की जा रही है। मेरी बेटी को खींच कर ले गए यहाँ से, चारों गिनने आई मेरी बेटी और सुरेश के पोता, सुरेश के बच्चे, लड़का, बहू, सब जने सब ने मारी मेरी लड़की। एक लड़का जेल भेजा है इन्हें, मेरी जो रिपोर्ट है 302 की है, लेकिन ये लड़का जो भेजा है इन्हें 306 भेजा है। इस मकान के अंदर 6 लोग रहते थे, 2 बहू
दो बेटा, एक पोता, एक बाबा। तो आपने जो नाम दर्ज करी कितने लोगों के? मैं सर पाँच ने करी है, क्योंकि एक मैंने जो है अन्य में छिकवा दी थी, घरवाली में नाम याद नहीं था उसका। वो हादसा का ही होता जो वहाँ लटके मिली है उसे सुबह, मतलब वो फांदी फंदा जो वैसे गिर रहा था तार के सा जो किसके घर? सिर्फ सुरेश के घर में। तो आपका क्या? नहीं, उन्होंने मारी है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में तैनात रहे तीन बड़े अफसरों समेत कई कर्मचारियों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि ये मुकदमा गाजियाबाद के रहने वाले उद्यमी ने कुछ साल पहले दर्ज कराया था। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में जमीन के लिए आवेदन किया गया था, जिसके बाद प्राधिकरण द्वारा औद्योगिक भूखंड में एक साल बाद भूखंड प्राधिकरण की तरफ से रजिस्ट्री हुई, तो वहीं 14 साल बीत जाने पर भी अभी तक उद्यमी को जमीन नहीं दिया गया। उद्यमी द्वारा भूखंड की पूरी रकम जमा कराने के बावजूद भी अधिकारियों ने कुछ कर्मचारियों से साठगांठ कर किसी और के नाम जमीन कर दी। वहीं जिला न्यायालय के आदेश पर भ्रष्टाचार में कई अधिकारी लिप्त पाए गए हैं और साथ ही अथॉरिटी के कई कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। लखीमपुर में भीषण सड़क हादसा हुआ है। आपको बता दें कि खमरिया पुलिस चौकी के पास शारदा नदी के पुल पर करीब 50 यात्रियों से भरी निजी बस और ट्रक के आमने सामने टक्कर हो गई। इस हादसे में यात्रियों की मौत और लगभग 29 लोग घायल हो गए। वहीं घायलों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। सीएम योगी ने इस सड़क हादसे में गहरा दुख जताया है। वहीं इस घटना में राहत और बचाव कार्य जारी है। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर भारी जिला प्रशासन पुलिस बल पहुंच गया है। रायबरेली में गरीबों को बटने वाला 650 क्विंटल गेहूं और चावल गोदाम प्रभारी और जिला प्रबंधक मिलकर हड़प गए। जांच में 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। मामला महाराजगंज स्थित खाद और आवश्यक वस्तु निगम के गोदाम से जुड़ा है। यहां अप्रैल माह के गोदाम प्रभारी गोदाम में ताला लगाकर फरार था। जिला प्रबंधक ने एक निजी और एक सरकारी गोदाम का ताला तोड़वाकर जब खाद्यान्न की जांच कराई तो सैकड़ों क्विंटल अनाज मामला जिला प्रशासन के संज्ञान में आया, तो इसकी जांच बैठाई गई। तो 2 दिन पहले राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा अधिनियम व बाल पुष्टाहार और मध्याह्न भोजन आदि योजनाओं के तहत दिए जाने वाले सरकारी खाद्यान्न घोटाले की जांच पूरी तरह की गई। गोदाम प्रभारी मुकदमा दर्ज कराया गया और आगे की जाँच जारी है। महाराजगंज के गोदाम पर जहाँ पर की विभिन्न योजनाओं के अनाज रखे जाते हैं, उनके मिलान में यह आया था कि कुछ अंतर, जिसमें कि पूर्व गोदाम प्रभारी श्री प्रदीप कुमार जी के द्वारा श्री एकनाथ त्रिपाठी जी को जो अनाज दिए गए, हस्तांतरित किए गए, उसमें से बहुत से अनाज ऐसे थे जिनको नियमानुसार हस्तांतरित नहीं किया गया था। उसके पश्चात विधिवत जाँच की गई और 21 से लेकर के अब तक के जो प्रकरण में अंतर आया है, उसमें 2 गोदाम प्रभारी साथ ही साथ 2 जिला प्रबंधक, इन लोगों के विरुद्ध FIR की कार्रवाई की गई। बिजनौर के खानपुर इलाके में सनसनी फैल गई। शादी के बंधन में बंधे भले ही पति पत्नी को सालों गुजर गए हो, लेकिन पति को पत्नी पर बदचलनी जरा सा क्या हुआ। पति ने अपनी पत्नी को लाठी डंडों से पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया और खुद भी जंगल के पेड़ से लटक कर अपनी जान दे दी। हालांकि पुलिस के अफसर कई पहलू से जांच पड़ताल कर रहे हैं। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। ये जो आपस में मौत हुई, 2 व्यक्तियों की मौत हुई है और आपसी मतभेद होने के कारण पहले उसके पति ने अपनी पत्नी को मारा। मारने के बाद उसने जंगल में जाकर फांसी लगा ली और कुछ गांव के लोगों ने हॉस्पिटल भेज दिया और भेजने पर वहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। थाना चांदपुर के खानपुर खादर गांव में एक महिला घायलावस्था में गांव के ही बगल में सचिन के खेत में पड़ी हुई है। गांव के ही 3 लोगों ने सबसे पहले देखा, उसमें देखने वालों में उस महिला का जेठ सुरवीर भी था। उसने पहचाना कपड़ों से कि ये उसकी भाई जयपाल की पत्नी है और उसको गांव वालों की मदद से अस्पताल भिजवाया गया। इसके बाद इन लोगों ने
जयपाल की तलाश किया तो जयपाल का शव जो है वहीं घटनास्थल से थोड़ी दूर आगे एक आम के पेड़ में लटका हुआ मिला। पुलिस को भी सूचना हुई, पुलिस मौके पर पहुंची और गांव वालों की मदद से शव को पंचायतनामा पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। अलीगढ़ में गांधी पार्क क्षेत्र के अंतर्गत अचल का है, जहां जलभराव को लेकर सैकड़ों छात्राएं और क्षेत्रीय लोग एकत्रित हो गए और अचल पर रोड जाम कर जोरदार प्रदर्शन किया। इसी दौरान क्षेत्रीय लोग और छात्राओं ने रोड जाम कर नगर निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं चंपा इंटर कॉलेज की अध्यापिका ने बताया कि उनके विद्यालय के रास्ते में हमेशा जलभराव रहता है, जिसके चलते छात्राओं के साथ तरह तरह की घटनाएं होती हैं। उन्होंने कहा, कई बार नगर निगम को अवगत करा चुके हैं लेकिन नगर निगम द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, इसलिए मजबूरन हमें रोड जाम कर प्रदर्शन करना पड़ रहा है। फिलहाल प्रदर्शन की सूचना पर भारी मात्रा में पुलिस के साथ थाना अध्यक्ष मौके पर पहुंचे और छात्राओं को समझाने के प्रयास में जुटे हुए हैं। क्योंकि रोड पर पानी भरा था, मैं आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। चंपा अग्रवाल कन्या इंटर कॉलेज, कम से कम एक महीना। क्या लगता है आपको? हमें बहुत गंदा लगता है आने जाने में। आप क्या चाहते हैं? सफाई होना चाहते हैं। हमारे स्कूल के बाहर बहुत पानी भर जाता है, हमें घर चलने में दिक्कत होती है। बहुत गंदा पानी है, बीच का बहुत सारा पानी भर जाता है। चंपा अग्रवाल कन्या इंटर कॉलेज, दो तीन हफ्ते से करना पड़ रहा है, यहाँ पे बहुत पानी भर जाता है। ये पानी पूरा साफ हो यहाँ का। पानी की परेशानी है, गंदा पानी पीने को आ रहा है, पानी भर जाता है वहाँ। हमें पानी साफ चाहिए, पाइप लाइन साफ। यहाँ रोज कॉलेज के बाहर पानी भरा रहता है, प्रशासन को इतनी बार बोला गया है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आज हमारे बच्चे जूते हाथ में ले लेके और डेली डेली सड़क पे और स्कूल में पैदल पैदल निकल के जा रहे हैं यहाँ से। इसलिए हम लोगों ने सड़क को बंद करा हुआ है और पुलिस प्रशासन से, नगर निगम से ये कहते हैं कि हमारे लिए ये पानी की व्यवस्था का थोड़ा समाधान किया जाए। कुशीनगर में कसिया थाना के अंतर्गत हिरण्य बती नदी में कक्षा 12वीं के छात्र ने नदी में छलांग लगा दी। आपको बता दें कि सूचना मिलते ही मौके पर कई आला अधिकारी और विधायक नदी के किनारे पहुंचे, जिसके बाद एनडीआरएफ की टीम को सूचना दी गई। एनडीआरएफ की टीम ने नदी में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया और साथ ही गोताखोर की कड़ी मशक्कत करते हुए नदी में खोजबीन का कार्य कर रहे हैं, लेकिन अभी तक छात्र का कहीं अता पता नहीं चल पा रहा है। लगातार रात में प्रशासन से संपर्क में है SDM, DM और तहसीलदार। तहसीलदार से मुझे 6 बजे बात हुई है, कहा है कि 8 बजे तक आ जाएगी। 8 बजे तो नहीं, 8:30 बजे NDRF की टीम आई और लगातार प्रयास कर रही है। इसके लिए 2-2 बोट लगे और एक्सपर्ट लोग। अब है क्या कि पानी की बहाव तेज है और कहीं ना कहीं फंसा हुआ है। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि बहुत जल्दी लाश मिल जाएगी। बहुत दुखद घटना है। हिरणावती नदी पर अपने साइकिल और बाइक फेंक कर स्वयं नदी में कूद गए, तब से तलाश जारी है। प्राइवेट जो गांव के लोग गोताखोर थे, उन लोगों को बुलाया गया, सुबह से भी लगे हैं, कल शाम को भी लगे थे। NDRF जो राष्ट्रीय आपदा से संबंधित लोग हैं, वो लोग भी आ गए हैं। 2 टीम नदी में उतर चुकी है, जिसकी छानबीन लाश बरामद करने की कार्रवाई तेजी से चल रही है। पूरा प्रशासन इसमें लगा हुआ है, जनता भी, आसपास के लोग बता रहे हैं जो देखा है, जैसे उस हिसाब से कार्रवाई की जा रही है। हरदोई में नानकखेड़ गांव के पास बेकाबू ट्रक ने 2 बाइक पर सवार चढ़ गया। इस दर्दनाक हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आपको बता दें कि पुलिस ने आनन फानन में घेराबंदी करते हुए ट्रक को पकड़ लिया और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई। गाजियाबाद के कवि नगर रामलीला मैदान में बनने वाला रावण का पुतला इस बार विश्व स्तरीय होगा। पहली बार यहां इसकी लंबाई 70 फुट थी, वहीं इस बार इसकी लंबाई 80 फुट रखी गई है। इसके अलावा इसमें 2000 के करीब बम तीनों पुतलों में लगाए जाएंगे। साथ ही पहली बार रावण के पुतले में लाइटिंग की जाएगी। आपको बता दें कि पुतले बनाने वाले काम को आगे जारी रखा जा रहा है। रावण के पुतले में करीब 3.5 लाख का खर्चा आएगा और इस पुतले को बनाने में कई कारीगर लगे हुए हैं। करीबन तीसरी चौथी पीढ़ी है जी। कितने लोग बना रहे हैं यहाँ पर? यहाँ है जी 12-13 लोग हैं। 12-13 लोग हैं। किस किस के पुतले आपने यहाँ पर बनाए हैं? यहाँ जी रावण का है, मेघनाथ का है, कुंभकर्ण का है।
कुंभकर्ण का है, ताड़ का है, आपका काम चल रहा है ये यहाँ है हर घंटा का रहे। मैं 12 साल से काम कर रहा हूँ, उससे पहले पापा काम करते थे, ये हमारा पुश्तैनी काम है, 2-3 पीढ़ियाँ काम कर चुकी हैं हमारी। कहाँ आप ये काम कर रहे हो, क्या काम कर रहे हो? जी यहाँ पर कबीना घर के अंदर काम कर रहे हैं, रावण बना रहे हैं रामलीला मैदान में। 2 वर्षों का जो अंतराल रहा कोरोना महामारी की वजह से, रामलीला का मंचन संभव नहीं था। अब जब हमसे मुक्ति मिली है तो हमने इस वर्ष जो है रामलीला का आयोजन करने जा रहे हैं और लोगों में अति उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि 2 वर्षों से जो आनंद लिया करते थे वो रामलीला महोत्सव पर वो उन्हें नहीं, उससे वंचित थे। अब उस अवसर का लाभ उठाकर अति उत्साह है लोगों में, देखने को मिल रहा है भारी भीड़ जो है रामलीला मैदान पर जो है प्राय देखी जा रही है। गाजियाबाद में पीएफआई पर बैन को लेकर अभी तक राजनीतिक दल की आपस में कुश्ती हो रही है, लेकिन अब साधु संत भी इस मामले में आ गए हैं। जूना अखाड़े के महामंडल मंडेश्वर में इस मामले में बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि पीएफआई पर जो बैन लगाया है मैं उसका स्वागत करता हूं, इस पर बैन लगाना ही चाहिए था, यह जरूरी काम हुआ, अभी यह अधूरा है। पीएफआई पर बैन लगाने का मतलब यह नहीं कि इस्लाम जिहादियों पर कार्रवाई पर बाल बराबर भी फर्क पड़ेगा। अगर सरकार पीएफआई जैसे संगठनों को खत्म करना चाहती है तो चीन सरकार की तरह मोहम्मद कुरान मदरसे और मस्जिदों को बैन करना पड़ेगा, तभी इस्लामिक जिहाद पर रोक होगी। केंद्र सरकार ने जो पीएफआई पर बैन लगाया है मैं इसका स्वागत करता हूं, पीएफआई पर बैन लगना ही चाहिए था, ये एक जरूरी काम हुआ है, लेकिन ये काफी नहीं है। पीएफआई को बैन करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इस्लाम के जिहादियों की गतिविधि पर बाल बराबर भी फर्क पड़ने वाला है। अगर भारत सरकार पीएफआई जैसे संगठनों को खत्म करने चाहती है तो चीन की सरकार का अनुसरण करते हुए मोहम्मद कुरान मदरसे और मस्जिदों को बैन करना पड़ेगा, तभी इस्लामिक जिहाद पर यह निर्णायक चोट होगी, अन्यथा इस्लाम के जिहाद पर बाल बराबर भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। गाजियाबाद के घंटाघर इलाके के गोल मार्केट में स्थित गुफा वाला मंदिर जिले के प्रमुख मंदिरों में एक है। गुफा वाले मंदिर की काफी पुरानी मान्यता है, भक्त यहां दूर दूर से आते हैं, ऐसी मान्यता है कि मंदिर में कोई भी श्रद्धालु खाली हाथ वापस नहीं लौटता, भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है, नवरात्र में यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है। इस मंदिर की खास बात है कि गुफा वाले मंदिर के पंडित ने बताया कि मंदिर काफी प्राचीन है, यहाँ वैष्णो देवी मंदिर की छवि देखने को मिलती है। गाजियाबाद में ऐसा मंदिर दूसरा है नहीं, काफ़ी प्राचीन मंदिर है, विष्णु देवी माता विष्णु देवी हैं, उनकी तर्ज पर बनाया हुआ ही मंदिर है। इसमें गुफाएं 3 हैं, सबसे पहले शेर के मुंह में घुसते हैं ऊपर है, नीचे तीनों देवियों के नीचे गुफा है, अंदर गुफा के अंदर विष्णु देवी विराजमान हैं, ऊपर बाबा बर्फानी हैं बैठे हुए भोलेनाथ, 3 गुफाएँ मुख्य रूप से मंदिर के अंदर। खबर औरैया से है जहां शहर में गाजे बाजे के साथ धूमधाम से भगवान शंकर की बारात निकाली गई। इस मौके पर बारात में देवी देवताओं के अलावा भूत प्रेत रथों पर सवार होकर चल रहे थे, वहीं बारात पर लोगों ने फूल बरसाकर और मिठाई वितरित कर स्वागत किया। पुराना नुमाइश मैदान रामलीला स्थल में रामलीला समिति के पदाधिकारियों ने पूजा अर्चना कर भगवान शंकर की बारात का आगाज किया। इस दौरान भगवान शंकर की बारात देखने के लिए सड़क के दोनों तरफ लोगों की भारी भीड़ लगी रही। बारात में सुरक्षा के मद्देनजर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। बारात के लिए सभी तैयारियां कमेटी की तरफ से पूरी है, हमारी कमेटी भी यहाँ मौजूद है और कुछ जो उस पर देवी देवता की सजावट है और मेकअप वगैरह पूरा चल रहा है बगल में, और टाइम से हम लोग निकालेंगे बारात को बहुत सादगी से हर तरीके से। नगर में एक संदेश जाए कि भगवान शंकर की बारात पैदा निकल रही, क्योंकि 22 तारीख को मौसम की वजह से नहीं निकल पाई थी, शिव बारात नहीं निकली थी, अब की बार शिव बारात और रामलीला का मंचन जो होगा उससे पूरे नगर में बहुत हर्षोल्लास है। कमेटी पूर्ण परिश्रम करके ये कार्यक्रम सफल बनाने की तैयारी कर रही है। आज भगवान शिव की बारात सायंकाल 3 बजे नगर भ्रमण पे निकलेगी, जो माननीय अध्यक्ष जी ने मुख्य रूप से आज बताया है उसी के।
खबर श्रावस्ती के जानकी नगर का है, जहां दलित शाखा पोस्ट मास्टर के पास अभद्रता का ऑडियो वायरल हो रहा है और डाक पत्र लिखे नंबर पर दलित डाकिया ने संपर्क किया था, तभी दलित डाकिया को अज्ञात ने भद्दी गाली दी और ये ऑडियो वायरल हो गया। दरअसल प्राइम टीवी न्यूज चैनल ऑडियो रिकॉर्डिंग की पुष्टि नहीं करती। आपको बता दें कि पीड़ित ने कोतवाली पुलिस को रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसके बाद कोतवाल ने बताया कि ऑडियो की जांच की जा रही है। पीड़ित ने डीएमएसपी की को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। मछलीवा के पोस्टमास्टर हैं, शाखा पोस्टमास्टर जी, और वहां भिंगा से एक रेस्टी, उसमें संदिग्ध अवस्था में पता उसका स्पष्ट नहीं था, चली आई थी, तो उसमें जो है विद्यावती के नाम से एक रेस्टी था जी। तो मैंने पता लगाया, उसका पता जब नहीं चल सका तो उसमें टेलीफोन नंबर था, तो मोबाइल पर मैंने फ़ोन किया जी। और जैसे फ़ोन किया वैसे रिसीव, फोन वाले ने जो है मुझे अभद्र तरीके से इतनी गाली दिया, 3 मिनट 59 सेकंड तक गाली ही गाली दिया। अच्छा। और उससे पूछा कि आप कहाँ रहते हैं या पता बताओ, तो उसने अपना पता स्पष्ट नहीं बताया। बाद में एक लग हल्का सा बताया कि विकास नाम है, साले तुम नहीं जानते हो, बहुत मुझे 4 मिनट तक बराबर गाली। उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।